नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लघु सचिवालय परिसर में स्थित शहीदी स्मारक पर आयोजित किया गया समारोह है। वहीं पर SDM राहुल हुड्डा व जिला सैनिक बोर्ड के कल्याण अधिकारी जनरल दीप डागर ने वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रशासन में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी भी रहे मौजूद। 1971 में भारतीय सेना की उपलब्धि के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाया जाता है यह समारोह। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय हासिल कर बांग्लादेश को कराया था आज़ाद। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की ये खास रिपोर्ट। विजय दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा के लघु सचिवालय परिसर में स्थित शहीदी स्मारक पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपमंडल अधिकारी राहुल हुड्डा व जिला सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग के सिरसा के सचिव एवं कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर ने भी वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व पुलिस टुकड़ी द्वारा वीर शहीदों को सलामी दी गई तथा उपस्थित जनों को वीर शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के सचिव एवं कल्याण अधिकारी जनरल दीप डागर ने बताया कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। उन्होंने बताया कि हर देश भर में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। गौरतलब है कि 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर एवं लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारत के पूर्व सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भारत के वीर शहीदों को याद किया जाता है। अब देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए। आज के दिन 16 दिसंबर को 1971 में हमने पाकिस्तान पे बहुत ही भव्य जीत हासिल की थी, जिसमें बांग्लादेश बना था और 93,000 उनके बांग्लादेश के सैनिक उन्हें समर्पण किया था। हमारे जनरल अरोड़ा साहब के सामने जनरल नियाजी ने पूरा आत्मसमर्पण किया था। इसमें हमारे करीब 8,500 सैनिक घायल हुए और 3,900 वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे हर साल ये दिवस मनाते हैं और हमें अपेक्षा है कि हमारे युवक भी इस बात से प्रेरणा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश की सुरक्षा में सहयोग करेंगे।